और कृष्ण को अब ये तो केजरीवाल से पूछिए, केजरीवाल एक रामलीला में जा करके भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम की जय बोलते हैं और जय श्री राम बोलते हैं। अब उनके मंत्री कहते हैं भगवान विष्णु को नहीं मानेंगे, शंकर को नहीं मानेंगे, तो ये तो वो पूछे। और मैं ये देश का दुर्भाग्य है, राजनीतिक के कारण, राजनीतिक रोटियां सेकने के कारण हमारे जो ब्रह्मा विष्णु महादेव इन तीनों शक्तियों को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। आप बौद्ध धर्म में जाइए, बौद्ध धर्म अलग नहीं है। यदि हम इतिहास को देखें, डॉक्टर अम्बेडकर साहब इस्लाम धर्म स्वीकार कर सकते थे, ईसाई धर्म स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं हिंदू हूँ और बुद्ध धर्म हिंदू का ही है, इसलिए बुद्ध हमारे से अलग नहीं है, हम तो बुद्ध को भी भगवान मानते हैं। और यदि वो बुद्ध धर्म का संकल्प लेकर के बुद्ध धर्म स्वीकार करते हैं तो उनको मुझे लग रहा है देखना चाहिए इतिहास। हमारे यहाँ जहाँ अवतारों की गणना होती है वहाँ भगवान बुद्ध को भी अवतार मानते हैं। ये आम आदमी के नेता बौखला चुके हैं, कहते हैं प्रभुता पाए का मद नहीं, विवेक नहीं होता, सत्ता मिलती है तो बौखलाहट आती ही है। ये तो अरविंद केजरीवाल को देखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मैं सरकार में आया तो तीर्थ यात्रा कराऊंगा अयोध्या की, अब उनको सोचना है कि मेरे मंत्री क्या बोल रहे हैं।